हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद रत्नेश पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम डेट के बारे में। जैसा कि आप सब थंबनेल में भी देखे होंगे कि वह उसमें लिखा हुआ है कि आज आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम डेट के बारे में बात करूँगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पहले जो एक्सपेक्टेड डेट था वो अगस्त में था, लेकिन बाद में जो हुआ वो हुआ सितम्बर में। लेकिन अभी जो आरआरबी ने नोटिस दिया हुआ है उसके बारे में, ये ऑफिशियल नोटिस है, उसके बारे में अभी हम बात करेंगे। और जो एग्ज़ाम पोस्टपोन हुआ है, जो एग्ज़ाम डेट पोस्टपोन हुआ है, उसी के बारे में आज हम बात करेंगे। आइए, शुरुआत करने से पहले मैं चाहता हूं कि आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी हिट करें, ताकि मेरे द्वारा बनाए गए सभी लेटेस्ट वीडियोज़ आप तक आसानी से पहुँच सकें। आइए, देरी न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की बातें। जी हाँ दोस्तों, आज हम आरआरबी रेलवे एनटीपीसी एडमिट कार्ड 2019 की बात कर रहे हैं और एग्ज़ाम शेड्यूल जो कि अभी डिसाइड नहीं हो पाया है, इसी बारे में आज हम बात करने वाले हैं। ये ऑफिशियल जो है नोटिस आई हुई है, उन्होंने ये बताया है। देखिए, इसमें साफ साफ मैंने मेंशन किया हुआ है कि आरआरबी एनटीपीसी एडमिट कार्ड एग्ज़ाम डेट ये शेड्यूल टू बी कंडक्टेड इन सितंबर, इस सितंबर में होने वाला था, लेकिन ये अभी ये ऐसा लगता है कि अभी और डिले होगा। और इसके जो स्क्रूटनी ऑफ द एप्लीकेशन सबमिटेड फॉर द एनटीपीसी रिक्रूटमेंट इज स्टिल ऑन, जो अभी स्क्रूटनी इसकी चल रही है वो अभी चल रही है। तो इसमें जो आरआरबी ने अभी नोटिस दिया है, उन्होंने अभी डिसाइड नहीं किया है कि शेड्यूल कब किया जाएगा। हैव नॉट डिसाइडेड द आरआरबी एनटीपीसी शेड्यूल येट, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है। और उसके बाद ये है कि अभी जो आरआरबी है ये बिजी है। किस में बिजी है? कंडक्टिंग अदर रिक्रूटमेंट एग्जाम्स लाइक आरआरबी जूनियर इंजीनियर, आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन। देयरफॉर द बोर्ड इज़ अनलाइकली टू अनाउंस डेट्स इन द कमिंग डेट्स। तो अभी जो स्क्रूटनाइजिंग ऑफ द एप्लीकेशन आरआरबी एनटीपीसी चल रहा है, जो स्टिल ऑन है, वो अभी इस वजह से एग्ज़ाम सितंबर में तो बिल्कुल नहीं होगा, अक्टूबर में नहीं होने की उम्मीद है, ये अभी इन्होंने नहीं क्लियर कर पाया है। तो अभी ये देखिए, साफ साफ लिखा हुआ है इसमें कि वी आर नॉट श्योर अबाउट रिलीजिंग द शेड्यूल इन अक्टूबर। तो इसलिए अभी इन्होंने कहा है कि वी आर बिजी विद अदर रिक्रूटमेंट्स एग्ज़ाम, सो इस वजह से आप जो है इस पर अभी जो है एग्ज़ाम के डिले होने की खबर आप अच्छे से नोट डाउन करिए और अपनी तैयारी को और अच्छे से जो है पढ़ाई करते रहिए। तो अक्टूबर अगर होगा तो लास्ट तक भले ही हो जाए, वरना अक्टूबर में भी डेट्स नहीं आने की उम्मीद है। दोस्तों, अभी रेलवे ग्रुप डी भी चल रहा है और आरआरबी एनटीपीसी का सॉरी जो एलपी का एग्ज़ाम हुए थे उसके जो रिज़ल्ट आए हैं उसका भी अभी इनको ज्वाइनिंग वगैरह करवाना है, उसमें सब में टाइम लगेगा। तो इस वजह से अक्टूबर नहीं उम्मीद है, अक्टूबर में नहीं होने की उम्मीद है, नवम्बर में एक्सपेक्टेड है। ठीक है दोस्तों, तो ये अब देखिए, ये जो मैं बात कर रहा हूँ, जिस डेट की बात कर रहा हूँ, जिस एग्ज़ाम की बात कर रहा हूँ, वो है कंप्यूटर बेस टेस्ट सीबीटी, और ये एनटीपीसी नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी एनटीपीसी इसका शॉर्ट फॉर्म होता है। इसमें जो है नॉर्मलाइज स्कोर होता है फर्स्ट स्टेज में, और ये इसमें जो शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट्स होते हैं ये सीबीटी सेकेंड स्टेज के लिए जाते हैं। सीबीटी वन में जो निगेटिव मार्किंग होती है वो 1/3 मार्क की होती है। देखिए, मैंने इसमें इसलिए मेंशन किया हुआ है कि आपको थोड़ा थोड़ा अपडेट करते रहें और आप जो तैयारी कर रहे हैं उसको अच्छे से करते रहें, इसलिए मैंने चाहा है कि इसमें आपको कुछ थोड़ा सा सिलेबस के बारे में फिर से याद करा दिया जाए। तो अभी आपने देखा कि एक क्वेश्चन के लिए इसमें 1/3 निगेटिव मार्किंग भी है, और इसका सिलेबस क्या है? देखिए, एग्ज़ाम 90 मिनट्स का टोटल होने वाला है, जिसमें जनरल अवेयरनेस 40 नंबर का है, मैथमेटिक्स 30 नंबर का है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 30 मार्क्स का है, जो टोटल नंबर है वो 100 मार्क्स का है, और टोटल मिनट्स हैं 90 मिनट्स का है। तो टाइम इज़ इनफ, इस एग्ज़ाम के लिए टाइम पर्याप्त है, और मुझे लगता है कि आपको ज़्यादा फोकस मैथ्स और रीजनिंग पे और खास और जनरल अवेयरनेस तो सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो ये तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है अच्छे से। तो बिल्कुल ये मत समझिएगा कि बहुत ज़्यादा लंबा समय है। देखिए, अगस्त निकल गया है, सितंबर और अक्टूबर, बस 2 महीने आपके पास मैक्सिमम है, उसके बाद आप इस एग्ज़ाम को देने को आपको पा जाएंगे। तो इसी के साथ दोस्तों, चलिए अब अपना ये सेशन कंप्लीट करते हैं। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आरआरबी एनटीपीसी का
जो एग्ज़ाम है इससे रिलेटेड मैथमेटिक्स और जनरल इंटेलिजेंस, इन दोनों पर मैं आपका सीरीज चलाने वाला हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप स्टेज वन क्लियर करेंगे तभी आप स्टेज टू में जाएंगे, इसलिए स्टेज वन के लिए भी काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसको आप हल्के में ना लें, और ये क्वालिफाइंग नेचर का है। तो बस इसी के साथ दोस्तों बेस्ट ऑफ लक, एंड आप चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और हाँ नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर हिट करें, ताकि मेरे द्वारा बनाए गए जो भी लेटेस्ट वीडियोज़ हैं वो आप तक आसानी से पहुंच जाएं। और थैंक यू दोस्तों, टाटा बाय बाय।